इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के पोयम जो कि है द बॉल पोयम इसके समरी को बहुत ही अच्छे से समझने वाले। एक ये बहुत ही खूबसूरत सा पोयम है, छोटा सा पोयम है जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। इट इज़ अ वेरी गुड पोयम रिटन बाय जॉन बैरीमैन। इन दिस पोयम द पोएट टेल अस अबाउट आवर रिएक्शन टुवर्ड्स सम मटेरियल लॉस। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा सा पोयम है जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। इस पोयम में जो पोएट है वो हमें इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जिस कभी भी हम किसी चीज़ को खो देते हैं ना, तो उसके तरफ उसके टुवर्ड्स हमारा रिएक्शन कैसा होता है, मतलब किसी भी चीज़ को खोने पे हम कैसा रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन के बारे में ही उन्होंने बात किया है। वन डे द पोएट सीज अ यंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर एंड ही इज़ वेरी अपसेट सैड। एक दिन की बात है, उन्होंने एक यंग बॉय को, एक यंग लड़के को देखा कि उसने अपने बॉल को खो दिया था। उस बॉल को उसने क्या किया था ना कि गलती से पानी में खो दिया था, पानी में वो बॉल गिर गया था। ये देख करके वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा दुखी था। जब उसका बॉल खो गया ना तो वो लड़का बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही कैन बाय सेवरल मैनी न्यू बॉल्स बट ही हैड अ वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमरीज एसोसिएटेड विद द बॉल। अब वो क्या इतना सक्षम था कि वो कितने सारे भी बॉल खरीद ले, लेकिन वो इस वजह से दुखी था क्योंकि जो बॉल उसने खो दिया था ना, उस बॉल से उसका बहुत ज़्यादा ही भावनात्मक लगाव था, उस बॉल से बहुत सारी उसकी यादें जुड़ी हुई थी। सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस। इस वजह से क्या, उस लॉस का, उस नुकसान का वो बहुत ज़्यादा बैठ करके अफसोस कर रहा था। किस नुकसान का? बॉल के खोने के नुकसान का। द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप विद द लॉस। एक तरह से इस पोएम में जो पोएट है वो इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस तरह से किसी भी नुकसान से उभरना है, बाहर निकलना है, किस तरह से उस नुकसान का सामना करना है, उस लॉस का सामना करना है। लॉसेज एंड गेंस आर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये पोएट ये भी समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को पाना या खोना, यानी कि लॉसेज या गेन जो है वो हमारे ही जिंदगी का हिस्सा है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते, इसका हमें सामना करना ही होगा। मनी इज एक्सटर्नल बट वी कैन नॉट बाय ईच एंड एवरीथिंग विद मनी। मनी से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं लेकिन हर चीज़ हम पैसों से नहीं खरीद सकते। दिस लॉस मेक्स बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इस नुकसान ने, बॉल के खोने के नुकसान ने उस लड़के को ये सिखाया कि किसी भी चीज़ को पाना या खोना जो है ये हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। हम हर चीज़ को क्या, पैसों से नहीं खरीद सकते, और जो चीज़ें हम अब खरीद ही नहीं सकते, जिसे हमने खो दिया है, तो उस चीज़ में हमें उलझे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या, हमें उभरना होगा, निकलना होगा, उस लॉस का, उस नुकसान का सामना करना होगा। इन द एंड द पोएट टेल्स दैट those whom we love and all our materialistic possession will not be with us forever. अब इस पोएम में एंड में पोएट ने ये भी समझाया है कि हमारे पास जो भी है, वो चाहे हमारे रिश्तेदार है जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ जैसे कार हो गई, या फिर कोई गैजेट है या लैपटॉप है या मतलब फ़ोन है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास अभी ज़रूर है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या भाई बहन मम्मी पापा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये हमारे पास हो सकता है ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी, कभी ना कभी हमें खोना भी पड़ेगा। तो हमें क्या, हर किसी को ये चीज़ आना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को खो दिया है तो उसका सामना कैसे करें। सो वी शुड लर्न टू कोप अप विद लॉस इन ऑर्डर टू सर्वाइव बेटर इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में अच्छी तरह से सर्वाइव करने के लिए, अपना जीवन यापन एक अच्छे वे में करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी को सीखना होगा कि किस तरह से किसी भी चीज़ के नुकसान से अपने आप को उभारना है, उस नुकसान का सामना करना है और उससे बाहर निकलना है। तो ये क्या हर किसी के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ हर किसी को आना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को इस वर्ल्ड में एक अच्छी तरह से जी सके। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।